अरे हो गया आप पहले उठ जाते हैं सर आप जोगिंदर है बैठ जाओ छूते ही ना चाहते ही हो तो छीन ही दिया अपनी जगह पे हम बैठ जाए साथियों, मैं समझता हूं कि आज बिहार के सामाजिक ताने बाने को प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम प्रगतिशील विचार के लोग, बदलाव के विचार के लोग एक साथ हैं। ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये प्रतिनिधित्व करते हैं तमाम धाराओं का जिसके माध्यम से बिहार के बदलाव का संकल्प लिया गया है। नया बिहार, युवा बिहार, समृद्ध बिहार, सुदृढ़ बिहार। और जाहिर तौर पर इस गठबंधन की बुनियाद
उन्हीं बुनियादी मुद्दों पर है। मैं बिना वक्त गवाए अपने कांग्रेस के वरिष्ठ साथी अविनाश पांडे जी से, जो बिहार के प्रभारी भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना विचार गठबंधन की बुनियाद, बनावट और बुनावट पर रखें। राष्ट्रीय जनता दल के सम्माननीय अध्यक्ष, हमारे नौजवान और ऊर्जावान नेता भाई तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्माननीय नेता भाई तेजप्रताप सिंह जी, कांग्रेस तेजस्वी पार्टी के नेता आदरणीय सदानंद बाबू, राष्ट्रीय जनता दल के सम्माननीय नेता शिवानंद बाबू, आदरणीय आलोक मेहता जी, हमारे भाई सांसद मनोज झा जी, माले पार्टी के सम्माननीय रामेश्वर प्रसाद जी, श्री प्रणव कुमार जी, सीपीआई के आदरणीय राम नरेश पांडे जी, श्री रामनजी कुमार जी, सीपीएम के सम्माननीय अवधेश कुमार जी, श्री अरुण मिश्र जी, अरुण कुमार मिश्र जी, वीआईपी पार्टी के सम्माननीय मुकेश सहनी जी, यहाँ उपस्थित कांग्रेस और सहयोगी दलों के सभी सम्माननीय नेतागण, उपस्थित साथियों, बहुत ही सोच विचार और विचार विमर्श के बाद नीचे की जगह यूपीए के सभी घटक दलों ने कुछ वैचारिक मतभिन्नता होने के बावजूद भी बिहार के विधानसभा चुनाव में एक महागठबंधन के रूप में एक मजबूत ताकत बनाते हुए एक साथ आकर महागठबंधन का इन सभी पक्षों ने, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी, एक मजबूत गठबंधन का एक साथ आने का निर्णय लिया। मैं स्वागत करता हूं हमारे युवा और बहुत ही प्रभावशाली नेता भाई तेजस्वी यादव जी का, कि पिछले दिनों 2015 में भी एनडीए के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ इसी प्रकार का एक महागठबंधन बना था और पूरे प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ इस मोर्चे को भारी बहुमत दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस जनमत का अपहरण करते हुए वही आदरणीय सम्माननीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने उन्हीं ताकतों के खिलाफ इस गठबंधन में बराबरी से मुकाबला किया, मात्र कुछ समय बाद ही पुनः धोखेबाजी कर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर प्रदेश के उस जनमत को धोखा देकर
फिर सत्ता में आसीन होंगे। लोकतंत्र का, जनमत का एक बहुत भारी अपमान उन्होंने किया, जो बिहार की जनता कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। और आज ऐसी परिस्थितियों में, जब देश में एक बहुमत के ऐसे तुगलकी कानून बनाए जा रहे हैं, जहां पर लोकतंत्र की, हमारे सर्वोच्च जो हमारा पंचायत है, पार्लियामेंट, उनके सभी वैधानिक मूल्यों को अवहेलना करते हुए, जो पिछले दिनों किसानों के विरोध में 3 कानून पास किए गए, आपने देखा होगा कि किसानों को किस प्रकार से उनके ही भूमि पर मजदूर बनने की नौबत आ रही है। पूरे देश का किसान बौखलाया हुआ है, छला महसूस कर रहा है। बिहार, जो कि ना ही सिर्फ देश का बल्कि राष्ट्र का एक सबसे युवा राज्य है, जहां के युवाओं की एक औसत आयु 23 वर्ष की मानी जाती है, और जहां का नेतृत्व 2015 में प्रदेश के युवाओं ने एक आशा और आकांक्षाओं के साथ भाई तेजस्वी में देखा, और एक उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्हें बहुत अच्छा काम किया, युवाओं को उम्मीद बनी, आशा बनी कि उनकी आवाज, उनका चेहरा बनकर एक युवा साथी जो संघर्ष कर रहा है, और एक ऐसे पुत्र का, एक ऐसे पिता का पुत्र है माननीय लालू यादव जी, जो कि पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में एक गरीब का चेहरा हमेशा माने जाते रहे हैं, एक संवेदनशील व्यक्ति जो कि गरीबी से उठकर आया है, जिसने गरीबी देखा, गरीब की भावनाओं को जानता हो, और उनकी भावनाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए, उनकी आवाज बनते हुए सरकार ने उनकी आवाज को मजबूत करने का कार्य उन्हें अपने जीवन काल में किया। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कांग्रेस की एक पुराना घटक दल रहा है, यूपीओ में भले ही कैसी भी परिस्थितियां कोई ना रही हो, लेकिन माननीय लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल रहा है जिसने यूपीए और कांग्रेस के साथ अच्छे और बुरे हर दिनों में मजबूती से साथ दिया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका सम्मान करती है। मुझे खुशी कि आज भले ही हमारे आंतरिक कुछ मतभेद हो, लेकिन उन मतभेदों के बावजूद भी धर्म निरपेक्ष पर विश्वास रखने वाले सभी दल, जो देश के लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, जो देश के संविधान पर विश्वास रखते हैं, और आज जिस प्रकार से देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, जिस प्रकार से बहुमत के नशे में मनमानी तरीके से देश में एक अराजकता फैलाई जा रही, उससे अछूता नहीं। पिछले 15 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नीतीश कुमार जी ने, जिन्हें पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता एक सुशासन बाबू के रूप में जानती थी, अगर हम पीछे पलट कर देखें कि इन 15 सालों में प्रदेश के विकास के नाम पर या उन वादों के नाम पर इस प्रदेश को क्या मिला, तो मात्र एक मायूसी, धोखाधड़ी और जुमलेबाजी के अलावा प्रदेश की जनता बड़ी निराशा से इस ओर देख रही।
और विशेष रूप से पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक बंधक सरकार के रूप में प्रदेश की सरकार काम कर रही है, जहां नीतीश बाबू को एक सोशलिस्ट नेता के रूप में हर व्यक्ति सम्मान करता था, वहां पर एक लाचार मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के साथ छलावा हो रहा है, चाहे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर हो, बेरोजगारी का मामला हो, प्रदेश के युवा के साथ किया गया जो वादा पिछले दिनों सरकार ने किया था उससे वादा खिलाफी हो, आज सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर आप देखें तो अन्य प्रदेशों की तुलना में बिहार सबसे अव्वल दर्जे पर। हमारे वो रोजगार, हमारे वो प्रवासी मजदूर जो आज मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर प्रदेश में, हर शहर में यहां पर रोजगार न होने के कारण अपने परिवार का पेट पालने के लिए पूरे देश के राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। जब कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में आई और उस समय जब यही प्रवासी मजदूर अपने घरों पर वापस आना चाहते थे नंगे पांव, भूखे पेट, पैदल तपती हुई धूप में, मुझे विश्वास नहीं होता कि क्या उस प्रदेश का मुख्यमंत्री, उस प्रदेश का, उन प्रदेश के वासियों का पालक उन्हें अपने ही प्रदेश में, अपने ही गांव में, अपने ही घरों में आने के लिए रोका गया और 60 दिनों तक प्रदेश की सरकार ने कोविड से त्रसित लोगों के लिए, हमारे उन प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत ही असंवेदनशील तरीके से पेश आकर निराश किया। अनेक मजदूरों ने रास्ते में अपने प्राण त्याग दिए, छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते हुए मर गए। मैं समझता हूं कि इसकी हाय, इसका श्राम जो एक राजा की, एक मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य होता है कि वो अपनी जनता, अपनी प्रजा के लिए ऐसे समय में जब इस प्रकार की बीमारी फैली हो, एक संक्रमण जो पूरे दुनिया में, विश्व में फैला हुआ हो और हर एक व्यक्ति अपने जान के लिए दौड़ रहा हो, ऐसे अवसर पर आगे बढ़कर कार्य करने की अपेक्षा उनकी, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। बाढ़ जो कि बिहार के ऊपर में एक बहुत बड़े अभिशाप है, पिछले दिनों ज्यादा वक्त ना लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि सभी दल एक साथ आकर बिना किसी विपक्ष की ताकत का बंटवारा किए बिना इस महागठबंधन का उद्देश्य है कि हम इस नाकाम नीतीश कुमार जी की एनडीए सरकार को विदाई करें और मुझे विश्वास है कि पूरा महागठबंधन इस बदलाव का संदेश, 2020 का सबसे बड़ा संदेश, क्योंकि बिहार ने हमेशा देश को संदेश दिया है और इस चुनाव से पूरे देश में बदलाव की लहर आएगी। मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी घटक दल हैं, यूपीए के जितने भी घटक दल हैं, महागठबंधन में आए हुए सभी दलों का मैं स्वागत करता हूँ और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आश्वस्त करता हूँ कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी हम हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं के हितों को पीछे रखते हुए प्रदेश के हित में और प्रदेश के विकास के लिए इस बदलाव के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहेंगे और विजय हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ महागठबंधन के सभी नेताओं को और अपने शब्दों को विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। साथियों,
एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस गठबंधन का नेतृत्व यहाँ पर गठबंधन के सबसे बड़े हमारे जो बड़े भाई वो राष्ट्रीय जनता दल है, और मुझे ये कहते हुए खुशी कि भाई तेजस्वी यादव जी इस गठबंधन का नेतृत्व करते हुए हम सब चाहेंगे कि प्रदेश को फिर से एक युवा चेहरे के रूप में, युवा नेतृत्व के रूप में वो इस प्रदेश का नेतृत्व करें, और हम सब उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। साथियों, बिना वक्त गवाए मैं आग्रह करूंगा कि इस गठबंधन के तमाम दल हैं उनके बदलाव के संकल्प के केंद्र में, नेतृत्व में जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा। मंच पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी, आदरणीय श्री सदानंद सिंह जी, हमारे बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी, सीपीआई पार्टी से रामेश्वर प्रसाद जी, प्रवेश कुमार जी, ये सीपीआई माले के थे, सीपीआई से राम नरेश पांडे जी जो हमारे अभिभावक हैं, राम बाबू कुमार जी, सीपीएम से अवधेश कुमार जी, अरुण कुमार मिश्रा जी, हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी जी, पार्टी के प्रधान महासचिव आलोक कुमार मेहता जी, सुनील सिंह जी, भोला जी, और जितने भी हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे यहाँ साथी हैं, सभी लोगों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं सभी दलों को जो इस महागठबंधन में शामिल हुए हैं और जो पहले से, उनका आभार मैं प्रकट करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी वरिष्ठ नेताओं को जो यहाँ उपस्थित हैं, और खास तौर पे आदरणीय श्रीमती सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, येचुरी जी का, डी राजा जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि हम लोगों ने एक धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय, बिहार के तरक्की के लिए एक मजबूत विकल्प बिहार की जनता के सामने रखा है। मैं धन्यवाद फिर से करूंगा कि इन सभी नेताओं ने, सभी दलों ने मेरे नेतृत्व में आगे करते हुए जो विश्वास मुझ पर जो रखा है, मैं वादा करता हूं कि मैं सभी के वादों पर खड़ा उतरूंगा। बिहार की जनता बदहाल है, परेशान है, बेरोजगार है, लाचार है, बीमार है, और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार, जो मौजूदा जो सरकार है, वो पूरी तरीके से आईसीयू में है, इसमें कोई दो राय नहीं होना। अब तक बिहार से गरीबी नहीं मिटा पाए 15 सालों में, अब तक बेरोजगारी नहीं हटा पाए, अब तक भूखमरी खत्म नहीं कर पाए, बिहार में एक कारखाना नहीं लगा, लोगों नौजवानों पर डंडे बरसाने का काम किया, किसानों को जो शोषण करने का काम किया है, अब तो लगातार 3 जो बिल लेकर के जो लाने का काम किया, सही मायने में नीतीश कुमार जी ने ये 2006 में किया, इसके वजह से ये हाल हुआ कि बिहार के किसान और गरीब होते चले गए और पलायन करने पे मजबूर हो गए। ये पलायन नहीं रोक पाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नीतीश कुमार रोजगार नहीं दे पाए। हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि बिहार की जनता अगर हमको मौका देगी तो उनके मान सम्मान की रक्षा हम करेंगे और सुरक्षा करेंगे, तरक्की पे लेकर के चलेंगे, सभी जात धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के चलेंगे। अभी आप देखते होंगे अपने लोगों को ही, मजदूरों को जो 15 साल में पलायन नहीं रोक पाए, रोजगार नहीं दे पाए, जो बिहार आने से रोक दिया, उनको अपमानित किया, चिट्ठी निकाल के उन मजदूरों पर लाठी बरसाने का काम किया, ये बिहार के नौजवान, किसान, बेरोजगार, मजदूर, गरीब,
ये भूले नहीं है। हर घंटे में बिहार में, चार घंटे में बिहार में एक रेप होता है, पांच घंटे में एक हत्या होती है। तो इस पे ज्यादा हमको विश्लेषण नहीं करना, लेकिन हम ठेठ बिहारी हैं, हम ठेठ बिहारी हैं, जो वादा करते हैं उसको हम पूरा करेंगे। और एक बात बता दें, हम ठेठ बिहारी होने के साथ साथ मेरा डीएनए भी बहुत शुद्ध है। अभी जो मौजूदा सरकार है, जल पानी एक जगह जो जम जाता है, उस जल के जमने से कीचड़, काई, बीमारी जो फैलती है, ऐसी स्थिति मौजूदा सरकार की। बिहार को एक विकल्प चाहिए, शुद्ध जल जो बहता है जैसे नदी का बहता है, वैसा बिहार को विकल्प चाहिए, जो कि हम लोग एक नदी के तरह शुद्ध बहती हुई जल के धारा की तरह, वो बिहार की जनता को हम लोग देने का काम। अभी आप लोग सबसे चीजें जो हैं बेचैन होंगे कि महागठबंधन में किसको कितनी हिस्सेदारी मिली, और बहुत दिनों से आप लोग भी परेशान थे कि भाई क्या क्या विकल्प, कौन होगा चेहरा। तो इस प्रश्न पर सभी लोगों को जवाब मिल चुका है, और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहारी जाग चुके हैं, उन्होंने ठान लिया है कि इस बार 15 साल तक जिन्होंने बिहार के जनता को धोखा देने का काम किया, बिहार के मुख्यमंत्री डर और लालच के कारण उन्होंने जो समझौता किया सांप्रदायिक शक्तियों से, जनादेश का जो अपमान किया, वो बिहार की जनता नहीं भूली है। चार साल में चार सरकार, कहां से होगा विकास? स्टेबल गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर दिया गया कुर्सी के प्यार में, उनको बिहार की चिंता नहीं। कहते होंगे बिहार हमारा परिवार है, बिहार भाषण से नहीं काम पे विश्वास करता है। और इन्होंने जो परिवार का नाम दिया है, हम तो इतना कहेंगे कि बिहार के गौरव के लिए, बिहार को तरक्की के रास्ते पे लाने के लिए, हम बिहार की जनता से हम मांगते हैं कि हम लोगों को एक मौका दीजिए, और जितने वादे हम लोगों ने करेंगे, जो 10 लाख नौकरी का जो हम लोगों ने वादा किया है, केवल स्थायी और सरकारी नौकरी है 10 लाख, 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में, स्वास्थ्य विभाग में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में, लगभग 4.5 लाख, राष्ट्र औसत के मुकाबले लाने के लिए हमको 5.5 लाख और चाहिए, सभी मानकों को पूरा करते हुए, जो आंकड़ा 10 लाख का बनता है। और हमने ये वादा किया है बिहार की जनता से कि पहले कैबिनेट में, पहले कलम से, पहले हस्ताक्षर से 10 लाख रोजगार सरकारी और स्थायी नौकरी हम बिहार के नौजवानों को देने का काम करेंगे। यानी आज से समझिए कि 10 नवंबर रिजल्ट आएगा, और 28 नवंबर तक सरकार बन जानी है, यानी 1-1.5 महीने पे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ये रोजगार तो केवल सरकारी है, हमारा मकसद है। और ये सरकारी नौकरियों में भी जो फॉर्म की जो फीस जो जमा होती है, उसको भी हम लोग खत्म करेंगे, कोई पैसा उस फॉर्म का हम लोग नहीं लेंगे। आगे हम लोग सभी गण यहाँ बैठे हैं, आगे हम लोग अपना ब्लूप्रिंट, क्या विजन है हमारा, हर एक सेक्टर को सारे हमारे बुद्धिजीवियों से, एक्सपर्ट से, इकोनॉमिस्ट से हमारी बातचीत चल रही है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जल्द ही कुछ दिनों के बाद
अंतिम रूपरेखा दी जा रही है वो आप लोगों के साथ है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो आप लोगों के सामने हम रखेंगे अलग अलग क्षेत्रों का। मैं मानता हूं कि यहाँ जितने दल हैं सभी पार्टियां चाहती थी कि भाई ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिले, और जितने भी महागठबंधन के सीपीआई सीपीएम माले कांग्रेस वीआईपी आरजेडी कि जितने भी कार्यकर्ता या वर्कर नेता पदाधिकारी उनसे अब इतना कहना चाहेंगे कि निराश मत होइए, कहीं सीट एडजस्टमेंट में अगर एडजस्ट नहीं हो पाए मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि बिहार को बचाने के लिए छोटी सी कुर्बानी हम लोगों को देना पड़ेगा, और आपके इस कुर्बानी का हम मान सम्मान और रक्षा हम करेंगे और बेहतर रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। तो आप लोगों से जो हम लोगों का फैसला हुआ है सभी गठबंधन के नेताओं का, तो हम आपको नंबर बता दें। सबसे पहले सीपीएम पार्टी को हम लोगों ने 4 सीटें, सीपीआई पार्टी को 6 सीटें, सीपीआई माले को 19 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें, और जो बाय इलेक्शन होने वाला है लोकसभा वाल्मीकि नगर का, पिछले बार भी कांग्रेस हमारे गठबंधन से लड़ी थी वो सीट पे हम लोगों का समर्थक कांग्रेस को रहेगा, यानी 70+1 लोकसभा सीट कांग्रेस का। राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 144 सीटें 144 सीटें बची हैं, जिसमें कि हमारी बात मुकेश सहनी जी से अकोमोडेट करने की हो रही है। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के पार्टी हैं उनको भी उनसे भी बातें हमारी चल रही हैं, यानी 144 जो सीटें हैं उसमें से वीआईपी पार्टी और जेएमएम को राष्ट्रीय जनता दल 2-3 दिनों में जो होगा फैसला वो आप लोगों के सामने रखेगा। तो ये टोटल जो है आंकड़े आप लोगों को हम फिर से दोहरा दें, राष्ट्रीय जनता दल 144 जिसमें अकोमोडेट वीआईपी और जेएमएम को करना है, कांग्रेस 70+1 लोकसभा, सीपीआई माले 19, सीपीआई 6, सीपीएम 4, तो टोटल आंकड़ा 243 का है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग मिल करके सरकार बनाएंगे, और ये जो लड़ाई है ये जनता बनाम डबल इंजन सरकार के खिलाफ है और हम जनता के साथ हैं। तो और कोई सवाल माले के हमारे जो साथी हैं वो अपनी बात को जो है रखना के काम करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री जी प्रधानमंत्री जी आरजेडी के तेजस्वी जी तिवारी जी मनोज जी सीपीआई के किरण पांडे जी सीपीएम के अवधेश जी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है उपस्थित तमाम प्रेस के भारतीय। सबसे मैं पहले कहना चाहता हूँ ये जो महागठबंधन का गठबंधन हुआ है इस तस्वीर में हुआ है इसको सोचा जा रहा है पूरे जो 15 साल के शासन रहा है कुमार का इसमें जनता के अंदर जो शोषण दमन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, बेरोजगारी बढ़ा है,
सांप्रदायिकता बढ़ी है और फासिज्म का दौर शुरू हो गया है। संविधान मरोड़ा जा रहा है, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाएं जितना है उसको अपने गिरफ्त में लेकर के यहाँ का बुद्धिजीवियों को जेल में डालना, सरकारों को जेल में डालना, गरीबों को रिटेन करना, इसके खिलाफ जो जनता के अंदर आक्रोश है उस आक्रोश का ये गठबंधन एक प्रतिबिंब है। उस आक्रोश का किराए दिवस एक प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब को उजागर करना सब गठबंधन के अभाव का एक धर्म बनता है। अभी आप देखें पूरे बिहार के अंदर एक तरफ लोग पैदल आ रहे थे प्रवासी मजदूर, बिहार की सरकार रोक रही थी, सेवा के अंदर नहीं आ रही थी। कितना कठोर यह सरकार है, कितना संविधान विरोधी यह सरकार है, जिसका घर है उसको घर में आने की इजाजत नहीं दे रही है। और यह सरकार इस तरह से प्रवासी मजदूरों को मारने के लिए छोड़ दिया, बिना दवा के छोड़ दिया। आज कोरोना काल में तमाम जो चिकित्सक संस्थाएं हैं सारे के सारे फेल हैं और एक एक हफ्ता में 4 लाख 5 लाख इसके लिए कुछ ताकत है जो वहाँ जा करके कोरोना का इलाज करा हो रहा है। यहाँ टेस्ट भी बहुत कम हो रहा है, यहाँ भी बहुत कम हो रहा है, रिपोर्ट नहीं आ रही है, लोग ऐसे भी मर रहे हैं घर में और आप देखेंगे यहाँ का कोरोना काल में लोगों की जान की परवाह नहीं करना। बाहर से बिहार का बाल है बर्बाद हो रही है, यूनिवर्सिटी कॉलेज को बर्बाद है, प्राइमरी स्कूल भी बहुत सारे बंद कर दिए गए हैं। जहाँ किसान के बच्चे पढ़ते हैं वो तमाम चीज बर्बाद है। देश के अंदर नौजवान लोग सड़कों पर उतर रहे हैं रोजगार के लिए, छात्र लोग शिक्षा के लिए उतर रहे हैं लोगों के लिए और उस पर लाठियां चल रही है। किसान के जब कार्य में पहले इन झील जो आया है किसान के गुलाम बनाने की तरफ जा रहा है, तमाम चीजों को बर्बाद करने की तरफ जा रहा है, उसकी लड़ाई का रुकना जमीन जो भी अलग अलग दलों के सहयोगी हमारे गठबंधन दल के नेता हैं, हर व्यक्ति बोलने जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये सिर्फ व्यक्तियों का इकट्ठा होना नहीं है, विचार का इकट्ठा होना है। अब हम अपने साथी मुकेश सहनी जी को उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं सनत मल्ला अति पिछड़ा का बेटा, अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं पीठ में खंजर ठोकने का काम किया जा रहा है।